हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पिछले 20 दिनों से किसान सड़कों पर हैं, सरकार के साथ कई दौर की बात भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कहा है। इस समिति में किसानों के कई संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। उधर दिनों दिन कड़ाके की सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सर्द रातें किसानों के हौसले को जरा भी नहीं डिगा पा रही। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे किसान खुद को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आग सेक सेक के ठंड से बचते हैं, हम बहुत तकलीफ है, हमारी जान खत्म हो सकती है। हम गवर्नमेंट की मिन्नत करते हैं तो हमारे हक न खोए दे, हमको दिए जाए। बस भगवान की कृपा से गुजारा हो रहा है। मजबूरी है हमारी, सरकार ने मजबूरन हमारे को बैठा रखा है, उनके मन में दया नहीं है हमारे प्रति। भाई बहुत दिन हो गए, हम मोदी साहब को मान लेना चाहिए। उनके मन में ये है भाई हम मानने से बिना चले जाएंगे, मानने से बिना तो जाएंगे नहीं हम किसी हालत में भी। बिल्कुल डाटा जो है वो तो किसान झेलता है, जो बुजुर्ग है हमारे को उनकी चिंता है। और वो है कि वापस जाते नहीं, वो कहते हैं हम अगली पीढ़ियों को सुधार के, अगली पीढ़ियों के नस्ल का ये रोड़ा है, उनकी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी सरदारी के बगैर नहीं लड़ा जाएगा, तो बुजुर्ग कैंप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान पो भाग दी रात में पानी लगा सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना सरकार चाहे उतना इसको आंदोलन को लंबा करा ले, हमारे फायदेमंद है। पर सरकार को सुझाव देते हैं कि इसका जल्दी निबेड़ा कर ले, नहीं उनके लिए घात को होने वाला। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बयान जारी कर सभी देशवासियों से किसानों के आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है। इन तीनों कृषि कानूनों से जितना नुकसान किसानों को होगा उतना ही आम आदमी को भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार केवल गुमराह कर रही है और अगर सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है तो वो तैयार हैं। आंदोलन जारी है और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, जब तक तीनों कानून पूरी तरह से वापस नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, अब तब तक तो हम आंदोलन अपना वापस लेने वाले नहीं है, बल्कि इसको और ज्यादा तेज करेंगे। एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। 8 तारीख को जो अमित शाह से मीटिंग हुई थी उसमें मैंने अमित शाह से सवाल किया था, बड़ी गंभीर मैटर है, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, क्या आप जो है वो पूरे देश की 23 फसलें जिनका एमएसपी तय होता है क्या 100% फसलें खरीदने को तैयार हैं? उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। समाधान के अभी कोई आसार नहीं है, क्योंकि जहां तक सवाल है कानून वापस लेने का, हम उनको वापस लेने की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं अमेंडमेंट तो तब का मैटर था जब आपने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए अध्यादेश लागू किए, जबकि वो इमरजेंसी नहीं थी, आपात कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि अभी लागू करना जरूरी है। और जब कानून बनाने से पहले इस पे आंदोलन हो गया, अध्यादेश के दौरान इस पे आंदोलन हो गया, तो कानून बनाने से पहले एक बार चर्चा करनी चाहिए थी किसान संगठनों से। हमारे सारे भाइयों के हौसले बुलंद हैं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी मोर्चा छोड़ेंगे नहीं। किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनरत किसानों को सभी वर्गों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बुधवार को महम चौबीसी के भेणी सुरजन गांव से राशन के 2 ट्रैक्टर भरकर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर रवाना हुए। किसानों ने कहा कि वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे।
उधर टीकरी बॉर्डर पर आए सेवादारों ने किसान भाइयों को पगड़ी पहनाकर उनका धन्यवाद किया। सेवादारों ने करीब 1200 पगड़ियां बांधकर ये एकता का संदेश दिया। पगड़ी के साथ सेवादार किसानों के लिए दवाओं का भी इंतजाम किया गया। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये गतिरोध खत्म नहीं हुआ। किसान बारिश और कोहरे से भरी रातों में भी अपने मकसद से हटने को तैयार नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो इन कानूनों का विरोध अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों और भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन कानूनों से उनकी तकदीर कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन का 21वां आज दिन है। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई समाधान अब तक निकल कर सामने नहीं आया है। सरकार जहां कुछ संशोधनों पर अडिग है, तो किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब किसानों को सरकार को लिखित जवाब दे दिया है किसानों ने, उन्हें सरकार का संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो कांग्रेस से रमेश बामला जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। रमेश जी थैंक यू। मेरा नाम रमेश बामल है सर। जी रमेश बामल जी, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ठीक है सर, मेरा सवाल यह है सर, जिस तरह से ये मामला लगातार उलझता जा रहा है, 21 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने की बात कही है, और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे राष्ट्रीय सहमति से सुलझाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का जल्द हल निकल पाएगा? इस मुद्दे का एक ही हल है कि कृषि कानून वापिस होने चाहिए। मोदी जी जुमले सुनाते आए हैं, पहले भी जुमले सुनाए, आज फिर इन्होंने जुमला दिया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जी। ये किसानों को बरगला रहे हैं, और ये मोदी जी ने आज तक देश को ये नहीं बताया कि ये कहते हैं हम किसानों के हित के लिए लेके आए हैं। किसानों ने इसको सिरे से नकार दिया, पहले दिन से ही नकार दिया। इनको कानूनन दर्जा देने से पहले ही किसानों ने कहा कि इन अध्यादेशों को रद्द कर दो, उसके बावजूद भी इसको कानूनन दर्जा दिया गया। मोदी जी देश को बताएं कि किसके फायदे के लिए कानून लेके आए हैं। ऐसी क्या वजह है कि आज एक देश का अन्नदाता 21 दिन से वहां दिल्ली में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठा है, 12 किसानों की शहादत हो चुकी है, उसका कौन जिम्मेवार है? इनको एक सिर्फ ऑर्डिनेंस लाके ये कानून कैंसिल करने हैं, और उसके बाद फिर किसानों को शामिल करके नए सिरे से नए अध्यादेश ला सकते हैं। इनकी जो मांग है किसानों की, आप उसको सुनिए, उसके सुनने के बाद आप नया अध्यादेश ले आइए। आप कानून, आप कोविड की आड़ में 3 अध्यादेश ले आए, और उसके बाद यदि कोई प्रोटेस्ट करता तो आप लाठी चार्ज करते हो, फिर आप बेतुके बयान देते हो कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारे गृह मंत्री बयान देते हैं कि सेल्फ डिफेंस में हमने लाठी चार्ज किया। आप ये बताइए कि क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो हथियारों से लैस थे कि आपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया उनके ऊपर? उसके बाद आप सड़कें डैमेज कर दी आपने, आपने वायरिंग वो तार लगाई है जो गुंडे बदमाश और आतंकवादियों के लिए लगाई जाती है, फिर आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इन्हीं के आदमियों को बीच में खड़ा करके। आप कहते हो जी किसान तो कहते हैं कुछ किसान हमारे हक में है, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे इनके बयान हैं। और अब ये किसानों को उलझाना चाहती है कि आप SYL के मुद्दे को उठा के उसमें मिक्स करके और ठंडे बस्ते में डाल देंगे कि जी आपका समाधान SYL का, इनका कठाई करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इन अध्यादेशों में कुछ नहीं करना। ये जो वार्ताएं हैं, इसको मामले को ये लंबित कर रहे हैं जानबूझ के। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द मोदी जी
इनको जो कृषि अध्यादेश इनको कैंसिल, लेकिन सर जिस तरह से सरकार संकेत दे रही है उससे तो नहीं लगता कि इस तीन कृषि कानूनों को वापस लेगी, क्योंकि सरकार बार बार जो ये कृषि कानून है वो किसानों के हिमायत में कह रही है कि ये कानून हमने बनाया है, उनके आय दुगुना करने के लिए बनाया है, फिर इसको लेकर विपक्ष पर भी एक तरह से वार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखो ब्रदर, मैं पब्लिक मंच पे बैठा हूं, हमेशा राजनीतिक पार्टी जब भी कोई गलत काम करती है तो हमेशा विपक्ष पे एलिगेशन आते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा। अरे जब ये है ही राजनीति, तो इस राजनीति में चाहे वो विपक्ष है चाहे पक्ष है, जब भी कोई चीज ऐसी जो खिलाफ जाती है, एक समुदाय के खिलाफ जाती है, एक वर्ग के खिलाफ जाती है, ये तो एक देश के खिलाफ जा रही है। इन अध्यादेशों से सिर्फ किसान ही नहीं है, इससे तो मजदूर भी, आम आदमी भी, कंज्यूमर भी, हर आदमी सफरर होगा। इन्होंने एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया है, मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आपको मैं एक रिमाइंड करा दूं छोटी सी बात, कि मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले एक नारा दिया था जुमला कि हर आदमी के 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ठीक है जी, काला धन वापिस आएगा, 2 लाख लोगों को, करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वो एक जुमला दे के झूठ बोल के सत्ता को हथिया लिया। उसके बाद एक एक करके इतने अध्यादेश लेके आए हैं जो पूरे समुदाय के खिलाफ, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ लेके आए हैं। बिजली कानून लेके आए, इन्होंने सब कुछ बेच दिया देश को। आज हर आदमी देख रहा है कि चारों तरफ अर्थव्यवस्था का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इन स्वच्छता के नाम पे इसने देश को लूटा है, कोई स्वच्छता नहीं है। आप कहीं भी, आप किसी गांव में जाके देखिए, कोई शौचालय नहीं है। आज भी लोग ओपन में टॉयलेट करते हैं जाके, लेकिन इन्होंने स्वच्छता के नाम पे इतने पैसे का दुरुपयोग किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप विजिट करिए, अपने आप प्रेस रिपोर्टर को भेजिए और हर गांव में देखिए जाके कि सुबह लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। सर, मैं भी मेरे गांव में जाता हूं। सर, बीजेपी की तरफ से तो ये आवाज उठाई जा रही है कि इस कानून के हक में आप लोग भी थे जब सत्ता में थे, लेकिन अब आप इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये राजनीतिक है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। इन्होंने पहले भी एक बार मेरी डिबेट थी, उसमें ये क्वेश्चन उठाया था कि कांग्रेस भी लेके आ रही थी इस अध्यादेश को, और उस अध्यादेश जो हम जो लेके आए थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसकी कॉपी मेरे पास आज भी खड़ी है। 2006 में भी आप लोगों ने कोशिश की थी, कानून कांग्रेस नहीं लेके आ रही थी जो ये लेके, 2006 में भी अगर वाम दलों ने विरोध नहीं किया होता तो इसी तरह के कानून आप लोग भी लाए होते ना। पूरे का पूरा मैनिफेस्टो आपको भेज दूंगा इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, सिर्फ ये पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं जी। ठीक है, मेरे दो और गेस्ट जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है आपका, देर से आप जुड़े। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता भाक्यू, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 21 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब जो मुझे जहां तक याद है कि तीसरी मीटिंग में सरकार ने भी कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि कमेटी बनाकर किसानों और फिर सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे इस मामले को सुलझाया जाएगा। क्या लगता है कि अब इस विवाद का हल होगा, क्योंकि किसान 21 दिनों से सड़कों पर है, वो कब घर जाएगा अपने? प्रश्न आपका ही सर, आप ही से है? हाँ, बीजेपी प्रवक्ता शास्त्री जी से। जी जी जी, धन्यवाद। देखिए, सरकार तो पहले दिन से सकारात्मक रुख अपनाते हुए बातचीत के तौर शुरू की, उसके बाद भी अपना प्रस्ताव भी दिया और किसान नेताओं से भी प्रस्ताव देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने तो आज प्रस्ताव खारिज कर दिया, लिखित में प्रस्ताव खारिज कर दिया आज सरकार को बता दिया। देखिए, वो तो मैं पीछे का बता रहा हूँ ना, अभी तक सरकार के किसी भी रुख में एक अड़ियलपना या अर्थव्यता नहीं है। सभी नेताओं को और सभी कृषि वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को ये कहा गया कि आप जो संशोधन चाहते हैं और जो व्यवस्था चाहते हैं उसका एक प्रारूप दीजिए। और जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया, ये आपके कहने और मेरे कहने से नहीं है, वो जो प्रिंट मैटर है वो कहीं छुप नहीं गया। और 2006 से कैप्टन साहब की सरकार ने इसके अंदर संशोधन किया, फिर 2011 में जब
बादल सरकार आई तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जब आज ये दोनों ही आंदोलन कर रहे हैं और इनकी दोनों की सरकारों में पहले से कानूनों में संशोधन हो चुका, तो आज ये अनावश्यक रूप से किसानों को भड़काकर और दिल्ली के घेरने की दृष्टि से कि सारा ताम झाम ठप हो जाए, देश ठप हो जाए, ऐसे आंदोलन देश हित में नहीं है। यदि किसान भाई, मैं फिर अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसान भाइयों को अपना स्थान छोड़कर जिससे कि जनता की परेशानी हो, और आंदोलन पहले भी हुए, आंदोलन आगे भी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों को और देश की जो व्यवस्थाएं उनको चलाते हुए हमें आंदोलन करना चाहिए और अपनी मांगों को रखना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से ये विषय रखा है, हम इसको सकारात्मक लेते हैं और सरकार का पहले भी यही था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम सब फिर आग्रह और विनय और आग्रह करते हैं कि सब लोगों को जब इस बात पर यह सहमत है कि दूसरा कोई कानून बनाइए, तो आप गलत परंपरा क्यों डालते हैं? आप इसी में संशोधन डालिए, आप सारा ही ना बताइए ना, आप एक्ट बनाइए। लेकिन किसानों को सर ये मंजूर नहीं है ना, ये जो आपने तीन कानून बनाया है, इनको कहना है कि ये कानून हमारे हक में नहीं है, इसे वापस लीजिए। हमारे साथ स्वामी इंद्र भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। किसान भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी ये बताइए कि जिस तरह से अभी शास्त्री जी ने भी कहा कि इसमें कानून में अलग से कानून लाने की क्या जरूरत है, इसी में संशोधन आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जी खालिद भाई, आज जैसे कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की तरफ से सुबह हमने सरकार को प्रस्ताव क्लियर दे दिया कि किसान जो अपनी जो प्रमुख मांगों पे अड़िंग है और तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते, किसान की मजबूरी है कि वो आंदोलन करे। और इसलिए आज जो है आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत के अंदर किसान किसी राजनीति पार्टी या किसी किसान नेता के पीछे ना होकर अपने मुद्दों पे खड़ा हुआ है। किसान अपने जो है अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और इस तीन कानूनों को हम जो किसान हैं वो उसको अपना डेथ वारंट मानते हैं। जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती, वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है। सर शास्त्री जी अब बताइए, क्लियर कट हो गया मामला? किसान चाहते हैं कि आप तीनों कृषि कानून वापस लें, तभी बात होगी। देखिए ये कानून सरकार ने रोड पर नहीं बढ़ाया। जी आ रहे हैं हम, रमेश जी आ रहे हैं आपके पास, सुनिए। जी ये कानून देश के संसद ने बनाया है, और पर सर संसद ने जिस जल्दीबाजी में बनाया है उसको लेकर भी तो लोगों को आपत्ति है। जिस जल्दीबाजी में संसद ने इस कानून को बनाया और उसके बाद से जैसे अध्यादेश जिस जल्दीबाजी में कोरोना काल में लाया गया, उसको भी लेकर किसानों को आपत्ति है। देखिए जल्दबाजी में हो या देरी से हो, जब उसके अंदर विकल्प है कि आप जो सुझाव देना चाहे दे। खालिद भाई जरा ये ईमानदारी से बताएं, जी देश की कौन सी किसान जथेबंदी किसान संगठन ने आपसे डिमांड की कि आप किसानों के लिए तीन काले कानून लेके आए? आप ये टोटल कानून शास्त्री जी कॉर्पोरेट के इशारे पे लेके आए हैं। आपदा में फायदा कमाने का जो आपने जो देश को तंत्र दिखाया है, आज देश उसी बात से दुखी है कि आज आप भी अपनी गलती को मानने को राजी नहीं है। गलतियां किससे नहीं होती, अगर सरकार से गलती हुई तो सरकार अपनी गलती सुधार ले, इन कानूनों को वापस लेके नए कानून लेके आए, पर उसमें किसानों के साथ चर्चा करके आप बैठकर बात करें, ना कि हवाई करें। संसद के अंदर आपने कानून पे चर्चा नहीं होने दी, लोकसभा में आपने को पास करा दिया। भैया जब एक मेंबर पार्लियामेंट आप पे ऑब्जेक्शन उठा रहा था तो आपने उसकी बात सुनी, आठ आठ मेंबर पार्लियामेंट वेल के अंदर चलकर आए, पर आप लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, देश की आवाज दबाने का आपने काम किया। शास्त्री जी जी जवाब दीजिए सर। खालिद जी ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जिस तरह धक्काशाही से कोविड के दौरान ये अध्यादेश लेके आए ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें सर, और जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोली, मैं सम्मान करता हूँ इनकी बात का। इसी पर शास्त्री जी से जवाब ले रहे हैं आपका भी, हाँ, इसी बात पे आता हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। ठीक है सर, वैसे तो संसद में भी 349 किसान के बेटे हैं, उनके हलफनामे में है। अगर वो किसानों के हित की बात किए होते तो शायद आज आंदोलन की जरूरत ही नहीं होती। सर शास्त्री जी खालिद जी सर रमेश जी आते हैं आपके पास, जवाब तो ले लें।
सर बोलिए। देखिए देश के अंदर आज तक संविधान तब से लागू हुआ और आज तक ऐसे कितने संशोधन और कितने कानूनों को रद्द और नए बने हैं, ये सब संसद के पटल पर होता है। हम फिर एक बार आग्रह करते हैं जी, ये रोड के ऊपर चलने का विषय नहीं है, ये टेबल पर बैठकर चर्चा करने का विषय है। और इस टेबल की चर्चा के अंदर से जो निकलने वाले सुझाव हैं, उन एक एक सुझाव को मानने के लिए सरकार तैयार है। जब ये लगा कि सरकार सुझाव को मान लेगी तो हठधर्मिता के साथ ऐसे आंदोलन को खड़ा और उन किसानों को जानबूझकर अपने स्थान से न निकल देने की एक साजिश है। जो किसान हितैषी है सरकार, उस किसान शास्त्री जी, फिर आपने शीतकालीन सत्र बुलाने से क्यों मना कर दिया पार्लियामेंट का? आपकी सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाने का क्यों मना कर दिया? स्वामी जी बताइए ना, स्वामी जी जवाब तभी होगी ना जब आप सत्र बुलाएंगे। बताइए शास्त्री जी, सुनिए एक बार और आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, हम भी दे रहे और राष्ट्रीय नेता और गांव का सामान्य व्यक्ति भी आपको गांव गली में भी उत्तर दे रहे हैं। सर उत्तर तो गांव गली में दे रहे हैं लोग, आप लोग भी जानते होंगे। गांव की गली गली में इस विधेयकों के इस आंदोलन की चर्चा है। एक भारत का व्यक्ति गांव में बैठा, गली में बैठा, आंदोलन के बाद आंदोलन से पूर्व आपने काम किया होगा तो हम मानते हैं कि आप में एक एक करके इंद्रजी और जब देश के पूरा आज आंदोलन करने को आ गया तब जाके आप कमेटी बनाते हैं। अठधर्मिता के साथ बैठे आप लोगों को गुमराह करने के लिए आप काम कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं चलेगा शास्त्री जी, सही सही जवाब दीजिए, झूठ के पुलिंदे ना खड़े कीजिए। आप इस देश की जनता ने ही सरकार को बनाया और पिछले उसी जनता के ऊपर लाठी। सर वही जनता तो अपील कर रही है, उस जनता में किसान भी है, प्रस्ताव खोलते हैं लोग, उस जनता में किसान भी है जो 21 दिनों से ठिठुर रहा है इस ठंड में। दिल्ली में थर्ड डिग्री पे आ गया है टेम्परेचर, बावजूद उसके लोग डटे हुए हैं, लेकिन संविधान अब तक नहीं हुआ। हमारे धरने स्थल पर रात को साथ गुजारिए किसानों के साथ, पता लग जाएगा सर्दी क्या होती है और गर्मी क्या होती है, सारी राजनीति कहीं उतर जाएगी आपकी। दो दिन आइए धरना स्थल पर, सोइए हमारे साथ, आइए बदाम का भी। ठीक है ठीक है ठीक है, रमेश जी से भी, रमेश शास्त्री जी प्लीज रमेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, जिस तरह से आप पर सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लग रहा है कि कुछ विपक्षी नेता जो पार्टियां हैं वो किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रही है इस आंदोलन में, रमेश जी बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी मानसिकता जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, कांग्रेस ने एक डिमांड पत्र दिया था इनमें कि ये जो अध्यादेश है किसानों के लिए डेथ वारंट है। एक्चुअली में जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने, मैं सम्मान करता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है और इसमें हमारे मीडिया पे सोशल मीडिया पे बहुत से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये कारपोरेट घराने के लिए ये अध्यादेश लाए गए ना कि किसान के लिए, क्योंकि यदि किसान के लिए होते, किसान कह रहा है कि ये हमारे हक में नहीं है और हमें आपकी दोगुनी आय नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जुमलेबाजी में और झूठ बोलने में माहिर हैं, तो उसके बावजूद भी इनको जब किसान कहते हैं कि भी हमारे हक में नहीं है ये डेथ वारंट है किसान के लिए, तो आप इनको कैंसिल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक छोटा सा ऑर्डिनेंस ले आके इनको कैंसिल करने का, उसके बाद हमारे इतने किसान नेता हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे डिस्कस करिए, आप दोबारा बिल ला सकते हैं। कोविड के आड़ में आप जिस तरह अभी देखो हमारे कृषि मंत्री जी कितने बेतुके बयान देते हैं, अभी उन्होंने बयान दिया था कि किसानों को फंडिंग हो रही है पाकिस्तान और चाइना से, देश से माफी मांगनी चाहिए जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, सड़कें डैमेज कर दी हैं, अरे वो पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं, आपने इतना प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया उसका कौन जिम्मेवार है? वो एजिटेशन कर रहे हैं, उनको करने दो, उनका विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हुए हैं कि जब भी किसी के खिलाफ आप दमन करोगे तो वो अपना एजिटेशन करेंगे। रोड पे शास्त्री तो जिस तरह की इनकी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है शास्त्री जी, लेकिन एक बात तो है सर, समाधान क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? 21 दिन हो गया, ठंड ठंड में तो कोई भी आदमी होगा उसकी तो मुश्किलें बढ़ेंगी ना सर, पहल क्यों नहीं हो रहा है? अब कोर्ट को आना पड़ा इस बीच में
अब कोर्ट कल फिर से सुनवाई है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन अगर ये मामला पहले ही हल हो गया होता, कोर्ट के पास तो और भी समस्याएं हैं जिसको सुनना है। अगर सरकार और किसानों के बीच अगर ये मामला हल हो गया होता तो आज किसान अपने घर होते। आपकी बात बहुत अच्छी लगेगी सुनने वालों को, मुझे भी अच्छी लग रही है, क्योंकि समस्याएं खड़ी रहना देश के हित में नहीं है। फिर? लेकिन सरकार का कौन सा कदम ऐसा है जो हकदर्दिता के साथ है? क्या देश के कानून बनने वाले कानूनों को रोड पर आने के बाद ही बंद किया जाए? क्या ये परंपरा शुद्ध परंपरा है? ठीक है सर, हम लौटेंगे, अभी हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब हम लौटेंगे तो इसी सवाल पर आपसे दोबारा रिएक्शन लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। हम लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस समस्या का समाधान निकलेगा, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। सर, आप ही से मेरा सवाल है ब्रेक के बाद कि 21 दिन सर बीत गए, लेकिन अभी तक इस किसान आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला। आखिर दिक्कत क्या है और मामला कहां फंस रहा है? देखिए, समाधान दो पक्षों में जब होता है तो दोनों पक्षों के सकारात्मक रुख से ही होता है। जब एक पक्ष इस बात पर सहमत ना हो कि मैं बात करूंगा ही नहीं, तो समाधान नहीं हो सकता। मैं बात करने के लिए तो किसान पक्ष सहमत है। सुनिए, एक मिनट जी बोलिए। इतने चेहरे आज आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें राकेश टिकैत जी का भी एक बड़ा नाम है। 4 जून 2020 के हिंदुस्तान अखबार में उनका बयान है और वो इस सरकार के इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने एक बात रखी है कि एमएसपी के बारे में ये तय किया जाए कि कम रेट पर ना हो, उस बात को लेकर सरकार की सहमति है। सर, चार जून आप कह रहे हैं 4 जून को, लेकिन आप लोगों ने तो अध्यादेश 5 जून को लाया है, एक दिन बाद। उन्हें इस कानून के बारे में तब जानकारी नहीं होगी? नहीं होगी, अध्यादेश पहले से, क्योंकि जब अध्यादेश आया तभी तो लोग पढ़े और पढ़ने के बाद से लोग विरोध करने लगे। देखिए, जिस अध्यादेशों को कानून का रूप दिया गया है उसी की, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, वो जो अध्यादेश गए थे उन्हीं को कानून का रूप मिला है। हाँ, तो वो सर कानून 5 जून को आया है। सुन नहीं पाए शायद, खालिद भाई बोल रहे हैं कि 5 जून को अध्यादेश आया है। राकेश टिकैत जी कैसे 4 तारीख को आपके तारीफ कर सकते हैं, ये बताइए। जो चीज पैदा ही नहीं हुई उसकी आपको तारीफ भी मिल गई? ये तो आप उनसे पूछिए, भैया बताने से आप पूछिए ना। आप सोचिए कितना बड़ा ब्लफ आप मारते हैं। ये देश को जुमले से छुरी मुक्ति दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है भैया। अब जुमले नहीं चाहिए, देश को काम चाहिए। अरे जुमले नहीं चाहिए तो हाथ मैं भी जोड़ रहा हूँ बाबा, इस देश को बंधक मत बनाओ। खालिद जी, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको क्या हुआ था। पानी के लिए काम हो रहा है, 4 जून के 2000 बंधक के, आपको 10 लाख से अधिक किसानों को आपने बंधक बना रखा है। अघोषित जेल आपने बना दी है देश के अंदर, दिल्ली एनसीआर को आपने अघोषित जेल बना दिया है देश के अंदर, और देश के दिल्ली वासियों को आपने कैद करने का काम किया है। लोग निकल कर आ रहे हैं किसानों की मदद करने के लिए, लोग निकल कर आ रहे हैं किसानों आंदोलन में शामिल होने के लिए। आप रोकने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को आपने इमरजेंसी का माहौल बना दिया है। आपको माफी मांगनी चाहिए क्या शास्त्री जी? आप ईमानदार से कह सकते हैं आज कि इस आंदोलन को आपने बर्बाद करने के लिए कौन सी जो कमी छोड़ी है, बताइए आप ईमानदारी से। क्या वो इस बात पर सहमत है इस बात के लिए? आप सोचिए, आप ईमानदार से बताइए, जो हमारे लगभग 2 दर्जन से अधिक किसान साथी भी गति को प्राप्त हो गए हैं, क्या उसके लिए हमारा सरकार या केंद्र सरकार माफी मांगने को तैयार है कि नहीं है? सर, लगातार किसानों की मौत भी हो रही है और आज तो एक किसान ने खुदकुशी भी कर ली है। सर, ऐसे कब तक चलेगा? लगभग 2 दर्जन किसान गति को प्राप्त हो गए हैं जी। ठीक है रमेश जी जवाब, रमेश जी कुछ कह रहे हैं, रमेश जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी प्लीज बोल रहे हैं, ये कानूनन दर्जा देने से पहले जब ये अध्यादेश लेके आए थे, किसानों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था कुरुक्षेत्र में जी। और जब वो निहत थे लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनपे लाठियां चलाई, किसानों को बेरहमी से पीटा गया, उनपे मुकदमे दर्ज हुए और हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने बयान दिए कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।
और जब उनको वीडियो क्लिप दी गई कि ये मारा गया किसानों को, तो हमारे गृह मंत्री ने, जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में लाठियां चलाएगी किसान, क्यों किसान हथियार ले रहे थे, किसी को बंदी बना लिया था, एक आदमी जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था, उनपे लाठियां चलाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, दमनकारी नीति अपना के उस विरोध को दबाया जाता है। उसके बाद संसद में इन्होंने, जब हमारे मुख्यमंत्री जी कोविड में थे, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जाकर उनको बिलों को संसद में बगैर बहस के, बड़ी बेरहमी से, बगैर सुनवाई के उनको पास कर दिया। उसके बाद उनको कानूनन दर्जा दिया गया। मैं ये कहता हूं कि जब शुरू में ही विरोध प्रदर्शन हुआ और इन कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, किसानों ने भी अपने अध्यादेश सौंपे, एजिटेशन किए, उसके बाद जबरदस्ती इन कानूनों को कानून का दर्जा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पब्लिक मंच पे आके इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की ये बात करते हैं किसानों के साथ। शास्त्री जी, लेकिन शास्त्री जी, ठीक है रमेश जी, ठीक है शास्त्री जी, पूरे देश ने देखा कि पिपली में किस तरह से वहां किसानों पे लाठीचार्ज हुई, उसके बाद से भी कई जगहों, अभी जब किसान आ रहे हैं तो कई जगहों पे गड्ढे और क्रेन से वहां पे बड़े बड़े पत्थर रखवाए गए, क्या इसका डर आप लोगों को पहले ही सताने लगा था जो इस तरह की तैयारी कर रहे थे आंदोलन ना हो? रमेश जी को अपडेट नहीं है, कानून बनने से पहले किसी का विरोध नहीं था। आपको अपडेट नहीं है, आप ऐसे मत बोलना, अपडेट अध्यादेश आने के बाद ही विरोध शुरू हो गया था। मैं एडवोकेट हूँ, आप क्या बात कर रहे हो, क्या मेरे को पता नहीं आप अपडेट हो? मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, कभी बोला नहीं आपको, लेकिन इस तरह की बात मत कहें कि आप अपडेट नहीं है, आप अपडेट नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपको अपडेट कीजिए कि किस घटना का किस समय क्या हुआ और कैसा क्या, आप अपने आप को अपडेट कीजिए, मेरे को क्या अपडेट करोगे आप? ये सब बड़ौदा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जवाब दे दिया बड़ौदा में लोगों ने, आपकी किसानों ने जवाब दे दिया, अब तो सरकार को जगाने का काम की शास्त्री जी मान्य प्रधानमंत्री, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, जिस तरह से किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं, इंद्र जी, जिस तरह से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मसले को सुलझाया जाए और पीएम बात करे, तो क्या प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते किसानों से, जो अलग अलग मंचों से आवाज उठ रही है किसानों को समझाने, एक तरफ से आज तक जितने भी बड़े आर्थिक सुधारक हुए, जितने भी आर्थिक सुधारक हुए सर, उसमें कहा यह जाता है कि 80% समय उसको लोगों के पास पहुंचाने में लगता है, नीतियां बताने में लगता है, और जो 20% होता है उसी में उस नीति को लागू किया जाता है। क्या सरकार की ओर से कहीं कमी रह गई जो किसानों को नहीं समझा पाए, या किसान इस कानून को समझने के लिए तैयार नहीं, बात सुनना नहीं चाहते, उनके हक में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, गुंडागर्दी हो रही है, वुमन सेफ्टी, आप ये तो बताएं कि आपने देश के लिए 7 साल में जो किया, जो कांग्रेस ने बनाया था, सब कुछ बेच दिया आपने, सर, सवाल, आपने सिवाय गुंडागर्दी के, जात पात के, धर्म के ऊपर जब आपके पास कोई बात नहीं रह जाता, कृषि कानून पे बात कर रहे हैं, हम जात पात और धर्म पे बात नहीं कर रहे हैं, कि मैं हिंदू, सर कृषि कानून और किसानों के हित की बात कीजिए, ये ठेकेदार है क्या हिंदुओं का, क्या आरएसएस हिंदुओं, सर हम यहाँ कोई धार्मिक बहस नहीं कर रहे हैं, हमारा बहस 3 कृषि कानूनों को लेकर है, तो सर प्लीज रमेश जी यहीं रहे, कृषि कानून पे ही रहे, प्लीज प्लीज सत्यव्रत जी जवाब दीजिए सर, शांत रहेंगे, देखिए जी देश का तंत्र व्यवस्था का है, उस व्यवस्था तंत्र के अंदर बातचीत करने के लिए सब तैयार है, प्रधानमंत्री भी इसी देश के हैं, इसी देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, देश के अंदर अब तक के चुनावों में सर्वाधिक उनको मत देकर बनाया है, आज भी दुनिया के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, तो सर दिल्ली से सिंघू बॉर्डर बहुत दूर नहीं है, राज करने के लिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस का नाटक है और राहुल गांधी की जो नौटंकी है जिससे भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये केवल मोदी की लोकप्रियता का ही कारण है, किसान इसमें कोई समस्या नहीं है, किसान सब समझते हैं, देश का किसान चारों तरफ से शांत है, जिस किसान की एमएसपी के बारे में जितनी चिंता की, तो नरेंद्र मोदी जी अगर किसान सब समझते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझते कि आज किसान समस्या में है, परेशानी में है,
डिप्रेशन में है, आप आगे किसान की समस्याओं का क्यों निदान करते, क्यों किसानों के ऊपर काले कानून थोपने का काम कर रहे हैं? आइए ना बीच में, किसने रोका आपको? राहुल तो नहीं आपको रोकते, राहुल गांधी ने क्या आपको रोक रखा है? क्या आप आइए ना किसानों के बीच में, कर दिया उसकी इतनी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आइए, बड़ा फर्क इसके साथ जुड़ गया तो सत्ता हमें नहीं मिल सकती। केवल और केवल कारण यही है, किसान का 1% भी हित सरकार नहीं चाहती कभी भी, सरकार हमेशा किसान के हित में काम कर रही है। रमेश जी, जब सरकार के ही सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो फिर जो आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान सड़क पर क्यों है? रमेश जी, क्यों किसान नहीं है, किसान को बरगला कर आप मेरे को ये बताइए ना खालिद जी, हमने शुरू में बोला जी, अगर सरकार किसान के हित में काम कर रही होती तो 150 संगठन बनाने का विरोध नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि आप MSP की गारंटी दे कानून लेके आए, हम कहते हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, किसान का अनाज है जो मंडी में ही बिकना चाहिए, जिससे एक मजदूर है उनका रोजगार छीना जाएगा, यदि किसी ने खरीदना है तो वो मंडी में बिड दे दे आके। आप एक कारपोरेट को कहते हैं कि जी आप उनके अडानी और अंबानी ने जो आज से पहले इतने गोदान बना दिए हैं, फार्मिंग हाउस बना दिए हैं, तो जब शुरू से जब पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने किसानों ने एक एजिटेशन किया था उसमें डिमांड रखी थी MSP की गारंटी दे दो, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और किसान को जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से देंगे। मैं एक बात आपको छोटी सी बात बताता हूँ खाली जी, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक कमर्शियल परमिसेज है, कमर्शियल परमिसेज की रेंटल वैल्यू 4 लाख रुपए पर मंथ है, तो वो जब कोई चीज से उसकी जो रेंट लेता है 4 लाख रुपए, तो क्या वो उसकी वैल्यू के हिसाब से लेता है या जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख रुपए उसका भी 4 लाख रुपए रेंट ले लेगा? किसान क्या कहता है, एक किसान एक एकड़ का जो आज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,000 में लेता है, 50,000 एक किले का ठेका हो गया, उसके ऊपर 60-70,000 रुपए एक साल में खर्च हो जाता है। किसान क्या कहता है कि जी जो मेरी लागत आती है फसल पे, जो मेरी जमीन की वैल्यू है उसके हिसाब से मेरे को आप मेरा प्रॉफिट दे दो ताकि मैं सर्वाइव कर जाऊं। ये सर्वाइव करने के बजाय मंडी व्यवस्था खत्म कर रही है। आपने कहा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे मत खरीदो, मैं आपको जवाब देता हूँ। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं खरीद, मैं ये कहता हूँ जी कि किसान कहता है जी कि मेरी इतनी लागत है और मैं तो इतने रेट पे दूंगा, MSP तो कोई फिक्स है नहीं, और वो जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर वो खरीद नहीं पाए, मैं तो नहीं के लिए कानून बनाने में क्या दिक्कत है सर? किसान उसके ऊपर जितना डील कर ले, एक MSP सरकार तय कर दे और उसके ऊपर जितना भी किसान चाहे डील कर सकता है, सरकार तो खरीदती नहीं और उसके नीचे कोई खरीदता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो कहां जाएगा? दिक्कत क्या है? आप जवाब दो जनता को इस चीज का। उसके बाद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप एक आधार कार्ड दो और कॉन्ट्रैक्ट करो और उसकी खरीद लो। रमेश जी, किसान उस पैसे को रिकवर करने के लिए किस किस के पीछे दौड़ेगा बताइए सर? शास्त्री जी बताइए, किसान किस किस के पीछे दौड़े? आपने भाषण देने के लिए बताया, तीन तीन एक साथ बोलते क्या बात करनी है बताइए? जब एक बात सही है कि ये कानून उन्हीं पर लागू है जो खुला मार्केट चाहते हैं, पहला कानून उन किसानों के लिए जो ट्रेडिशनल काम करना चाहते हैं। जब एक रस्ते के स्थान पर दो रस्ते मिल रहे हैं तो क्या वो रस्ते गलत है? क्या देश के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल कानून लागू है तो क्या 2 रुपए किलो चावल और 200 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान देश में खत्म हो गया? वो सरकार कहां से खरीदेगी? इसी अन्नदाता के इसी की मंडियों में इन्हीं कमीशन एजेंटों के माध्यम से खरीदेगी कि नहीं? सर लेकिन धीरे धीरे आप देखिए ना किस तरह से सरकार जिस भंडारण भंडारण देखिए कैसे धीरे धीरे घट रहा है, सरकार कम खरीद रही है और किसके गोदाम में भंडारण हो रहा है, सवाल इसका है। सर आपने आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम जो बनाया है उसके तहत अगर प्राइवेट कंपनियां जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद के और जब फसल किसान क्या है उस समय अगर वो बाजारों में वो फसल झोंक देती है तो कीमत अपने आप गिर जाएगी,
फिर वहां पे जो जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां वो खरीद लेंगी, कृत्रिम वहां पे जो है कमी पैदा की जाएगी, इसका सिर्फ असर किसानों पर नहीं है सर, आम आदमी पर भी पड़ेगा इसका असर। रोकना चाहते हैं उसका उत्तर है ना आपके पास कोई? खालिद भाई, जो किसान जी मैदान में बात कर, स्वामी जी बोलिए, गन्ना किसान स्वामी जी बोलिए, नहीं कर रहा करने का काम कांग्रेस। खालिद भाई इनसे पूछिए सर, सर स्वामी जी बोलिए बोलिए बोलिए, स्वामी जी बोलिए। गन्ना मिले किसान का गन्ना उसके खेत से उठाती है, क्या गन्ना मिले किसान का समय भुगतान करती है, क्या गन्ना मिले किसान को एडवांस पेमेंट करती है? नहीं करती है। गन्ना मिले ने किसानों का कई लाख करोड़ रुपया अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बकाया है जो नहीं दिया है। और एक बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो गन्ना किसान कर रहा है, सरकार ने कहा कि 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद उसकी पेमेंट नहीं होती तो उसको ब्याज के साथ भुगतान होगा। आप मुझे बताइए कितनी बार किसानों को आपने ब्याज के साथ भुगतान किया है, अभी तक आपने भुगतान नहीं किया। और दूसरी बात, किसान की जो फसल है 500 क्विंटल पर एकड़ होती है और सिर्फ 300 क्विंटल ही आपसे किसान से उठाई जाती है, 200 क्विंटल का किसान का क्या होगा? उस फसल को कहां बेचेगा? आज हरियाणा प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का जो भाव है 175 रुपए क्विंटल का भाव है और किसान लुट रहा है, क्योंकि जो गन्ना मिल है किसान के ऊपर कैपिंग लगाए गन्ना उठाती है, उसके अंदर भी जब उसका तोल होता है 50 किलो पर ट्राली की चोरी की जाती है, खुल्लम खुला कहा जाता है कि आपके इसके अंदर पत्ता है, इसके अंदर जो है बालू है और अनेक प्रकार की कमियां बताई जाती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसानों को लूटने का जरिया और कोई और तरीका नहीं है। सत्यव्रत जी, ये केवल भाषण देने के लिए बैठे हैं, एक समस्या का समाधान लेकर नहीं बैठे। लेकिन सर आप लोग समाधान तो कर रहे हैं पर किसान मान क्यों नहीं रहे? सरकारी रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बता रहा। समाधान की बात आप लोग भी तो कर रहे हैं लेकिन किसान समझ क्यों नहीं रहे? प्रदेश में किसानों का 3 साल से भुगतान नहीं हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो मीडिया में भी आएगा, वो अखबार में भी आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है मीडिया में भी, हरियाणा के अंदर किसानों का भुगतान नहीं हुआ है ना, कि आपका अप्रैल से लेकर अब तक किसानों को पैसा नहीं मिला गन्ना किसान को, वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं रोज, शाहबाद मिल का पैसा खड़ा है किसानों का, सरकारी मिल की बात कर रहा हूँ मैं। शास्त्री जी झूठ बोलना बंद कीजिए, जुमलेबाजी करना बंद कीजिए, अब पूरा भारत आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता है, भैया ये झूठ बोलना बंद कर दो भाई, सत्य पे आ जाओ, सत्य पे जीवन अपना जीना शुरू कर दो। केवल केवल आपने बरगलाने के अलावा कुछ काम नहीं करना, इस देश के जिन प्रगतिशील प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने इस बिल की भुगतान न करने बदनामी होगी आपकी, दिमाग के ऊपर ये कानून ये तो सीना जोड़ी है आपकी, चोरी ऊपर सीना जोड़ी, और बाकी जो भैया किसान का पैसा कब तक दबा के रखोगे बताओ ना आप, मंडी व्यवस्था को आप जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों कब तक साथ देंगे, इस देश के कमीने का साथ देने के लिए कब तक सामने आएंगे? इसी प्रकार सीएए का एनआरसी का यह आंदोलन इसी कल्पना पे तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, जेल। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के भुगतान के ऊपर आपको कही थी कि आप किसानों को ब्याज दें, और जो देश के किसानों को ब्याज देने का काम किया, देश को आगे बढ़ा, क्या हरियाणा सरकार ने किसानों को जो उसकी पेमेंट लेट हुई ब्याज देने का काम किया? सर देश को तो आगे किसान ही बढ़ाते हैं, नहीं तो लाया आपने किसान को बना रखा है, देश को आगे बढ़ाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है सर, सरकार के जो कदम है किसान के कभी 1950 में जीडीपी ग्रोथ का 50% सपोर्ट होता था, कभी रोड पर रहने वाला किसान आज क्यों रोड पर आ गया है, ये रोड कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकर आया किसान इस देश का, इस कानूनों का समर्थन करता है रोज, हर समर्थन करता है तो फिर कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये किसान क्यों बैठे हुए हैं इस ठंड में? अगर समर्थन कर रहे होते लोगों की तादाद तो कम नहीं है, बना रखा है। ये जो काला प्रकृति के कांग्रेस लोग हैं उन्होंने यूनियन कांग्रेस को पोसते रहेंगे, बात करने का समय है किसानों से, मौका आपको मिला है, समाधान आपको करना है, देश का मन नहीं जी सकते कि आइए टेबल पर आइए, अपना सुझाव रखिए, जो आप सुझाव रखेंगे जिस पर सहमति बनेगी उन सुझावों को हम सुझाव तो आपको दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे। अरे भैया सरकार देश का कानून ये कहता है कि 14 दिन के बाद अगर किसान की पेमेंट नहीं मिलती तो गन्ना मिल जो है किसान को ब्याज के साथ भुगतान करेंगी। आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि फलां मिल से आपने किसान का भुगतान ब्याज सहित कराया,
ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला क्लियर कर दीजिए ना आप। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा आज से पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि ये चर्चा नहीं है। ठीक है, मिले सरकार का समाधान का है वो ठीक है सर। किसान के लिए सरकार ने सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी किसान को दबाने के लिए, किसान को बचाने के लिए आप कानून नहीं लाए हैं शास्त्री जी। किसान मुझे मुझे समय की थोड़ी कमी है, मैं आपसे मैंने एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर समाधान कैसे होगा, क्योंकि बहुत ही दुख का विषय है कि इस ठंड में जो किसान बैठे हुए हैं, अगर बातचीत की डोरी ऐसे ही टूटती रहेगी तो फिर समस्या का तो हल ही नहीं निकलेगा। एक तरह से देखिए तो बातचीत की डोरी टूटी हुई है ना, सरकार अपील तो कर रही है लेकिन किस पे, मीडिया पे, और आज तो लिख के फाइनली किसानों ने दे दिया है कि ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, तो अगला कदम क्या होगा सरकार की तरफ से कि किसानों को मनाया जा सके। भी वार्ता का ही होगा, अगला मना करने के बाद भी सरकार वार्ता पर ही आ जाएगी, टेबल पर ही बुलाएगी, टेबल पर रोज रोज कह रही है किसान नेता और किसान विशेषज्ञ की कमेटी जो मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत खालिद भाई जी इन्होंने बंद करने का काम किया है, इनसे पूछो देश की संसद बड़ी प्रणाली है तो आज शीतकालीन आप शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुला रहे। वो सब चीजें व्यवस्था के तहत होंगी शीतकालीन सत्र। ठीक है रमेश जी समाधान चाहता है देश, आप उसका अपना मुद्दा तो दीजिए। समाधान कैसे होगा रमेश जी, खालिद जी जी हम चाहते क्या है, और जो खालिद जी जी बोलिए रमेश जी समृद्ध है उस देश, इंद्र जी और शास्त्री जी प्लीज चुप हो जाइए। और आज इसका जो समाधान एक ही है कि अपना सत्र बुलाएं और ऑर्डिनेंस लाके इन काले कानूनों को रद्द किया जाए। कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड है किसान, क्योंकि कानून को रद्द करने की कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है और बीजेपी कह रही है कि बातचीत से समाधान होगा। लेकिन इंद्र जी लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, आप बताइए आप लोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं ऐसे में, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जो तीसरे दौर की बातचीत हो रही थी उसमें यह कहा गया था कि एक कमेटी सरकार ने प्रस्ताव दिया था आप लोगों के कमेटी बनाते हैं जिसमें सरकार और फिर किसान के प्रतिनिधि होंगे और फिर बातचीत से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या होगा अगला कदम आप लोगों का इंद्र जी? भाई अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है काफी हमारे पास नहीं आई है, उसको पढ़ने के बाद हम आपको तुरंत अपने जो मिनट्स है वो बताएंगे। पहले पर हम सरकार से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार अपना हट जो है छोड़े और किसान के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी अबानी के पोतों की बलाई ना लें, धरती पुत्र के बीच में आकर उनकी दुआएं लेने का काम करें। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं उनकी एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार की तरफ से जो संकेत है सरकार ये कह रही है कि जो कानून है उसी में वो संशोधन करके इस समस्या का समाधान निकालेगी। लेकिन अब फिर इस मामले पे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है। फिलहाल